नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी विशेष में। आज हम विशेष बात करने वाले हैं एग्री मार्केट को लेकर। एग्री मार्केट में किस तरह का एक्शन दिख रहा है और आगे किस तरह की तेजी या मंदी दिखेगी, हर एग्री कमोडिटी पर आज हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान भी है, हार्दिक सारदा साहब है, कॉमर्स सरदी साहब है, एवांस ग्रुप के कॉमर्स सादरी साहब है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले हार्दिक आपसे बात करेंगे हम टर्मरिक को लेकर, क्योंकि टर्मरिक आपकी फेवरेट सब्जेक्ट है। 7,000 की हल्दी अप्रैल से अब तक 15-16,000 भी घूम कर आई, अब करेक्शन दिख रहा है, क्या लग रहा है आगे किस तरह का रेंज आपको हल्दी में दिख रहा है? हल्दी की तेजी मंदी मानसून के ऊपर, डिमांड सप्लाई के ऊपर, क्रॉप के ऊपर, सोइंग के ऊपर, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से होती रही है। स्टार्टिंग में क्या हुआ कि लगभग सोइंग 30% किसानों ने भाव कम होने के कारण से कम किया, तो उस कारण से और भी नैसर्गिक आपत्ति आई, अलिनो के कारण से बारिश नहीं हुई, तो उस कारण से बाजार जो था वो लगभग 15,000 से 18,000 के ऊपर चला गया। अब वापस यहाँ पे भी जो सोइंग के नंबर है या जो प्रॉफिट बुकिंग जिसको बोलते हैं, तो उसके अंदर 18,000 जो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो आज लगभग 13,000 छुआ है। तो इसके अंदर लगभग जो 125% 150% की तेजी आई है, उसमें लगभग 30-40% की अभी मंदी अपने को देखी है। लेकिन अब डिमांड सप्लाई देखा जाए तो यहाँ हल्दी की जो भी तेजी मंदी बनेगी वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर के बारिश पानी और उस टाइम जो क्लाइमेट रहेगा उसमें यील्ड कैसा आएगा, रूट्स में कैसी हल्दी नीचे जा सकती है, उसके ऊपर आ सकता है। लेकिन अब देखा जाए तो 30% जो सोइंग कम हुआ है यह एक बहुत बड़ा नंबर है, क्यों पिछले साल के मुकाबले इस साल कैरी फॉर स्टॉक भी लगभग एवरेज यह लोएस्ट पिछले 5 साल का कैरी फॉर स्टॉक जाएगा। जो पिछले साल 30 लाख बोरी था, इस बार 15 से 20 लाख बोरी का स्टॉक जा सकता है, और वो भी स्टॉक जो है वो मजबूत हाथों में और बॉटम भाव का स्टॉक है। तो लोगों में घबराहट नहीं है, घबराहट नहीं होने के कारण से कभी भी यह मौका जो आने वाला फसल कोई भी क्रॉप का, कोई भी कम्युनिटी का जब कम होता है तो इसमें मजबूती दिखाई देती है। आने वाला फ्यूचर जो साल है, जैसे इस साल लोगों ने कहा कि हल्दी जीरा, तो अब आने वाला 2024 कहां, अगर ये जो नंबर लोगों में चर्चा है कि 30% क्रॉप कम है और यील्ड कम आ सकता है, ये नंबर अगर सही होते हैं तो आने वाला साल हल्दी ये जीरा का भाव बनेगा और एक गोल्डन सुवर्ण साल आने वाला 2024 बन सकता है। ओके सर, सितंबर की जो बारिश हुई थी उसमें लग रहा था कि जितने भी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वहां पर फायदा होगा, यील्ड में कुछ सुधार होगा, लेकिन जो सोइंग आप कह रहे हैं कि 30% कम हुई है, क्या उस वजह से ये उत्पादन कम होगा और क्या नंबर उत्पादन को लेकर आप लोगों का एस्टीमेट क्या कह रहा है? छोटा जवाब, पिछले साल का लगभग क्रॉप आया था 90 लाख बोरी का, 90 से 95, इस बार लगभग 30-25% एवरेज कम पकड़ते हैं, कहां पे 10% कम है, कहां 40% कम है, तो इस बार 65 से 70 लाख बोरी का क्रॉप आने का अनुमान लोगों का है और कैरी फॉर स्टॉक लगभग 10-15 लाख बोरी का और खपत है लगभग 1 करोड़ बोरी की। अगर ये नंबर आते हैं तो इसमें नेक्स्ट ईयर ये बहुत अच्छा हल्दी का साल हो सकता है। हल्दी के आपने फंडामेंटल सुना कि ग्राउंड में क्या उत्पादन का अनुमान है, सोइंग के नंबर्स भी कम है, उत्पादन को लेकर भी चिंता बरकरार है, क्या लग रहा है आप भाव कहां देख रहे हैं? जो 2-3 महीने के हिसाब से मैं पूछ रहा हूं, अगर साल अंत तक अगर देखे दिसंबर तक, तो हल्दी कहां जा सकती है? सर, जैसे भगवान जी ने कहा कि भाई अभी स्ट्रांग हैंड्स में स्टॉक है और हमने काफी ऊपर के भाव से कुछ 30% तक के हमने करेक्शन देखे हैं कि भाई 17-18 हजार वाली हल्दी आज क्लोजिंग भाव पे तो तकरीबन 12,700 के आसपास आ चुकी है, तो मेरे हिसाब से भी अभी थोड़ा कंसोलिडेशन हमें शायद और यहां से हो सकता है हम 12,200 तक के लेवल देखे, क्योंकि पिछले 2 या 3 दिन के अंदर ही तकरीबन 10% रिवाइज हो चुका है, तो यहां से थोड़ा एक बार 12,200 के सपोर्ट से कंसोलिडेशन आना चाहिए। लेकिन अभी आगे का जो राउंड रहेगा टर्मरिक का वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर के में फंडामेंटल्स ही इसे डिसाइड करेंगे कैसा उसका डिमांड है, और अगर एक्चुअल में अगले साल क्रॉप शॉर्टेज है तो जैसा इन्होंने भी कहा भगवान जी ने, और हमने जिस तरह से जीरा में भी देखा कि जीरा 2022 में 16,000 से 30-32,000 तक गया था, पर एक्चुअल जो उसमें जो हम बोल सकते हैं कि जो क्यूम्युलेटिव जंप आया 30,000 से लेके 65-66 हजार रुपए का, वो हमने 2023 में देखा। तो अगर सही में क्रॉप कम आता है और डिमांड जैसे 1 करोड़ बैग्स का लग रहा है वैसा ही रहेगा, तो यस वी विल सी वेरी गुड लेवल्स, और अगले साल हम टर्मरिक में एक्चुअल कितनी ताकत है वो अगले साल देखेंगे। यानी एक्चुअल जो अंदाजा अभी लगेगा, क्लैरिटी आने में वक्त लगेगा, क्योंकि उत्पादन को लेकर अभी काफी संभावनाएं ही जता सकते हैं, पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है इसलिए रियल नंबर नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन ये तो मानना है कि तेजी जरूर है, अगले साल जरूर तेजी दिखती है। ज्यादातर मंदी बहुत कम है, जाने के लिए जब लोगों का 100 रुपए के अंदर जाना, अब मुझे लगता है 2-3 साल का बॉटम हो जाएगा ये। ओके
100 रुपए के, यानी मतलब है अगर इंसीडेक्स पर भाव देखेंगे तो 10,000 के नीचे जाना बहुत ही कम लग रहा है। एक रॉक बॉटम सपोर्ट यहां पर दिख रहा है हार्दिक साहब को और साथ ही सदरी साहब को। अब चलिए अब धनिया की बात कर लेते हैं, धनिया को लेकर क्या लग रहा है? धनिया एक अच्छी तेजी के बाद वापस से उसी लेवल के आसपास आ गई है, 7,000 के आसपास। क्या लग रहा है आगे? धनिया बाकी मसालों के मुकाबले सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव आपको दिख रहा है अब यहाँ से? धनिया एक अभी वो भी गोल्डन कमोडिटी बन सकती है, क्योंकि जीरा, लसन, मेथी, उस एरिया में जो जो सोइंग होती है, उसके गेहूं, उसके भाव सब हाई लेवल पे है। और धनिया एक एकदम सेंसिटिव कमोडिटी है जो मानसून के ऊपर, जो क्लाइमेट के ऊपर बहुत चलती है। तो किसानों का ये रुख है कि जीरा में जाएगा, लसन में जाएगा, मेथी में जाएगा। तो जीरे का, धनिया का सोइंग वो कम अगर होता है कोई कारण से, तो नेक्स्ट जैसे इस साल हल्दी का सोइंग कम हुआ तो जैसे तुरंत तेजी आई, वैसे दिसंबर के बाद में धनिया में बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ओके, बड़ा मूवमेंट तो क्या मूवमेंट? और एक खबर ये भी आ रही है कि धनिया की सोइंग हो सकता है कि बहुत अच्छा भाव जीरा और हल्दी के मुकाबले ना मिला हो, तो सोइंग वगैरह खेती में धनिया पर फोकस बढ़ सकता है। तो क्या इसका भी फायदा धनिया को अगले सीजन में मिलेगा, कम उत्पादन हो कहीं? धनिया का उत्पादन कम ही होने का चांसेस है। जो वहाँ के सलाहकार लोग है, किसान है या व्यापारी है, वो बोलते धनिया का सोइंग पूरा किसान शिफ्ट जीरे में होगा या और भी दूसरी कम्युनिटी में होगा। तो जहाँ ये नंबर डिक्लेयर होते हैं, देखो रिस्क क्या होता है कि जो आदमी प्रेडिक्शन देख के रिस्क लेगा उसको बड़ा मुनाफा देखने को मिल सकता है। तो ये अभी धनिया बॉटम भाव है, यहाँ परचेस करके आने वाले पूरे साल के लिए हर मसाला कंपनी, हर इंडस्ट्री ने लेना चाहिए। ओके, यानी हर किसी को इस जो बॉटम भाव है 7,000 के आसपास का भाव काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, और आने वाले समय में क्योंकि बाकी मसालों के दाम ज्यादा है धनिया के मुकाबले, तो वहां पर किसानों का भी रुझान ज्यादा होगा और धनिया भी कम होगा। तो अगले सीजन अगर आपका लंबा व्यू है, एक साल के आसपास का व्यू है, तो डेफिनेटली धनिया आपके लिए बेहतर कमोडिटी हो सकती है। अब बात कर लेते हैं जीरे को लेकर। जीरे को लेकर सदरी साहब आपका अनुमान क्या है? सर, जीरे में हमने पिछले 3 दिनों में तकरीबन 5-6% की गिरावट देखी है, जो कि सेंटिमेंट के अगेंस्ट है। लेकिन अगर हम देखें तो पिछले 3 दिनों में सारे ही एग्री में, सभी कमोडिटीज में हमने देखा है कि थोड़ा बहुत करेक्शन आया हुआ है। वहीं अगर हम जीरा की बात करें तो ग्वार गम, ग्वार सीड, टर्मरिक और धनिया के मुकाबले जीरा कम गिरा है, जो अपने आप में एक स्टेबिलिटी का साइन है और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उसमें एक फंडामेंटल मजबूती दिखाता है। आज भी जीरा को तकरीबन 58,700 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से हो सकता है मैक्सिमम अभी 1-2 दिन इस हफ्ते के ट्रेडिंग में बचे हुए हैं, तो उस वजह से थोड़ा बहुत इसमें प्रेशर बना रहे, लेकिन इसमें लॉन्ग टर्म मुझे कोई घबराने वाली बात जीरा में नहीं नजर आ रही है। मैं बाइंग रेकमेंड करूंगा। ओके, और धनिया को लेकर आपका व्यू क्या? आप भी हार्दिक जी से सहमत है? आपको भी लग रहा है कि बड़ी तेजी धनिया में एक साल के अंत में आएगी? सर, मैं हार्दिक जी से कुछ हद तक सहमत हूँ कि इसमें ज्यादा कमजोरी की जगह नहीं है, पर जैसा अभी सर देखो, अभी सोइंग अगले 2 महीने में होगी और इसी तरह अगर ये 6,500-7,000 के भाव के बीच में घूमेगा तो फार्मर के लिए डिस्करेजमेंट है, बिकॉज राजस्थान साइड का फार्मर चना है, सरसों है, गेहूं है, जहां ये साल बहुत अच्छे प्राइसेस देखने मिले हैं, तो हो सकता है वो वहां धनिया बोने के लिए डिस्करेज हुए और इस वजह से इसका इफेक्ट हमें अगले साल देखने को मिल सकता है धनिया में। अब एक सवाल अब मेरा आपसे ग्वार सीड और ग्वारगम को लेकर होगा, हालांकि क्लैरिटी आने में वक्त लगेगा, 15-20 अक्टूबर तक क्रॉप को लेकर क्लैरिटी आ जाएगी। कई इलाकों में मैंने किसानों से बात की थी, यील्ड को लेकर कहीं पे चिंता है, कहीं नहीं भी चिंता है, कहीं अच्छी फसल की भी बात कर रहा है, लेकिन सबने यही माना कि पिछले साल से क्रॉप इस साल काफी कम रहने वाला है, यील्ड ज्यादातर जगहों पे हिट जरूर हुआ है। क्या लग रहा है ग्वार सीड और ग्वारगम को लेकर, मीडियम टर्म आउटलुक आपका क्या है? सर, मीडियम टर्म आउटलुक मेरा ग्वार गम और ग्वार सीड दोनों में स्टेबल से बुलिश ही है। हालांकि हमने ये हफ्ते के ट्रेडिंग सेशंस में 6-8% की गिरावट देखी है, पर मेरे ख्याल से वो शायद इसलिए भी हो सकता है कि अभी नया सीजन जब आएगा तो एक साथ शुरू में किसी भी क्रॉप को संभालने के लिए थोड़ा करेक्शन आता ही है प्राइजेस में, तो एक बार अगर वो संभल जाएगा तो हम शायद एक बार सीजन स्टेबल हो जाए तो नवंबर दिसंबर में इसमें अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ रही है। और पिछले 2-1 दिन में जो हमने गिरावट देखी है फिजिकल मार्केट्स में, उसमें हाजिर का डिमांड आया है उन भावों से, तो इसमें मैं आपको ज्यादा वीकनेस या बेरिश सेंटिमेंट नहीं सजेस्ट करूंगा।